नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए बीएससी पार्ट टू में लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है और इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तमाम जानकारी जो है इसके पहले वाला वीडियो में मैं दे चुका हूँ। वो वीडियो जो है वीडियो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, तब ये देखेंगे तो काफ़ी मजा आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो बताने जा रहे हैं, बेसिकली ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट होता है, जिसमें हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का निकालते हैं। इसमें हम आपको बता दें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बहुत अच्छी बात यह है कि इसके द्वारा हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर बनते हैं उसको बहुत ही क्विक और बहुत ही आसानी से सॉल्व करके देने का काम करता है। इसलिए ये सबसे बीएससी पार्ट टू के लिए सबसे मस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ इस तरह के टॉपिक को बेहतर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करिए और जो है अच्छे से तैयार करिए, ताकि आने वाला एग्ज़ाम आपको अच्छे से निकल सके। शुरू करते हैं। यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी ई के पावर ए टी माइनस वन और बाई जो है ए है। बेसिकली इसको ऐसे लिखना चाहिए, हमको ऐसे लिखना चाहिए, है ना। तो ऐसे लिखिए, नहीं तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी इच्छा, मैंने ऐसे लिखा है, वो बाई का काम कर रहा है यहाँ पर, और कोई इसका मीनिंग नहीं है। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो दिया है उसमें मैंने सिंगल जो है फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने को सिखाया है, उसको देख लेंगे तो ये देखेंगे तो काफ़ी मजा आएगा। क्योंकि कहा गया है मैथ ही कंसेप्ट इज पावर। अगर आपका कंसेप्ट तगड़ा है तो दुनिया का कोई भी मैथमेटिकली टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट का जिसमें कंसेप्ट पता हो तो आपको वो सवाल बड़े अच्छे से निकल जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसमें आप अटक जाएंगे, इसलिए कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। देखिए लाप्लास ऑफ एफ टी, दिस इज द एफ टी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, इसको मैं लिख ले रहा हूँ पूरा। लाप्लास ऑफ एफ टी ई के पावर ए टी माइनस वन बटा ए होगा। अभी हम आपको बताए थे कि आपको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पावर में है, सॉरी बटा में है, इसको बाहर खींच लेंगे। लाप्लास ऑफ ई के पावर ए टी माइनस टी, इस तरह के क्वेश्चन का लाप्लास हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। जिस तरीका से मैं आपको एक आइडिया दे दूं, जिस तरह से आप जो है एक्स प्लस साइन एक्स है, आप इसका एक साथ जो है इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आप जो है अलग अलग करेंगे, समझा गया। तो अलग अलग करके ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक साथ नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं है कि आप एक साथ दोनों का कर सकते हैं। उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक बार ई के पावर ए टी का लाप्लास मारेंगे निकालेंगे, एक बार वन का लाप्लास निकालेंगे। और वन बाई ई के पावर ए टी का लाप्लास जो है मैं पहले वीडियो में दिया है, उसको देख लीजिएगा। इसका मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट किया हूँ, ई के पावर ए टी का लाप्लास जो है एस माइनस ए होता है, वन का लाप्लास वन बाई एस होता है। ऐसे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ बताया है। तो आप पहले वाला वीडियो को देख लेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, इसलिए पहले प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये जो है क्या होगा, कट जाएगा इससे, इसमें एस माइनस ए इंटू एस, इसका एलसीएम वही होगा दोनों का, इससे कट जाएगा तो एस होगा और इससे कट जाएगा तो एस माइनस ए, माइनस से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे माइनस था प्लस होगा, एस एस कट जाएगा ए आई ए बाई ए भी कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, वन बचेगा एन वन बाई एस माई एस इंटू एस माइनस ए होगा। ये होगा ई के पावर ए टी माइनस वन अपान ए का लाप्लास ट्रांसफर। आई होप कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी आपके लिए पसंद में आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही धांसू, सरल और बहुत ही सटीक वीडियो लेकर आते रहता हूँ बीएससी पर। ये बीएससी पार्ट टू का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बीएससी पार्ट थ्री का वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा और बीएससी पार्ट वन का वीडियो जो है मैं इस चैनल पर डाल दिया हूँ, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को क्रम से देखिए, मजा लीजिए ज़िंदगी को। अगर ज़िंदगी में खुशहाल रखना है तो किसी भी चीज़ को बेहतर सीखने की ज़रूरत है और क्रम से सीखने की ज़रूरत है। अब क्रम से आप नहीं सीखेंगे तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं ले पाएंगे, इसलिए मज़ा लीजिए, सीखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत